हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। और आज सुबह में 5 बजे हम आए हैं बालाजी के पास से, तो वहाँ का दृश्य तो बहुत अच्छा लगा। और हम बहुत पहले गए थे, सचिन और प्रिंस और पूजा पढ़ते थे विशाखापट्टनम, तो आए थे इन लोग से भेंट करने, तो वहाँ से हम बालाजी गए थे। इतना कठिन नहीं था, लेकिन इस बार गए तो हमको बहुत ज़्यादा कठिन होने लगा, दिक्कत, लेकिन कोई बात नहीं है, जल्दी से दर्शन भी हो गया। न तो वहाँ तो सुन रहे थे कि लोग चार चार घंटा, आठ आठ घंटा लाइन में लगा है लोग, और फिर भी नंबर नहीं आया। तो हम तो एक दिन में जाकर घूम के आ गए और दर्शन भी कर लिया अच्छे से, दोनों जगह दर्शन किए, पद्मावती टेम्पल और वो दोनों जगह कर लिए, अच्छा लगा। तो चलिए अब लेके चलते हैं आप लोगों को वीडियो को आगे। और अंशु आई थी घर, हमसे तो बात नहीं की अंशु, और अंशु से हमको बात भी नहीं हुई, चूँकि हम 3-4 दिन से मोबाइल मेरा डिस्टर्ब है, तो चूँकि जाना था तो मोबाइल बंद करके ही जाना था, वहाँ जमा करके जाना था, तो हम ज़्यादा कुछ करके नहीं बात कर पाए। आज घर आए तो आज 1 बजे 12 बजे तक सोए हैं, तो उसके बाद वीडियो डाले हैं आप लोग को, फिर उसके बाद से नहाए धोए, फ्रेश हुए, खाना खाए, नाश्ता किए और अब बैठे हैं। तो सोचे कि कुछ लाए हैं वहाँ से सामान खरीद के, वो दिखा देते हैं। और अंशु से भी आज हम बात करेंगे, वो वीडियो हम आप लोगों को डालेंगे कि अंशु से बात करके क्या रिजल्ट निकल रहा है। लेकिन हम जब जाएंगे घर तभी बैठा के बात करेंगे। और उसके सास से, उसके घर वालों से बात हुआ है, तो वो लोग ठीक है, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा इसका ससुराल का, जैसे लड़की को शादी करके भेजा जाता है, तो ठीक है उम्र नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से रहना भी चाहिए। ससुराल गई है तो ससुराल का रिस्पेक्ट करना चाहिए, मायका है तो मायका का करना चाहिए। थोड़ा सा अंशु यहाँ बचपना दिखा रही है अपना, लेकिन काम तो हर आदमी को करना पड़ता है, खाना है तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे ससुराल हो चाहे अकेले कोई रहे, चाहे बैचलर लाइफ रहे, खाना पीना तो बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो हमको लग रहा है इसी सब से थोड़ा सा उसको टेंशन हो रही है कि नहीं है काम, और एक बार ससुराल में जाकर थोड़ा सा काम पड़ रहा होगा, तो इस रीजन से उसको थोड़ा सा डर हो रहा है। तो उसके लिए कोई बात नहीं, हम आज तो हम लोग का टिकट हो चुका है 26 तारीख को, बहुत पहले आप लोग को बता भी दिया है कि 26 तारीख को फ्लाइट का टिकट हुआ है, तो कैंसिल नहीं हो सकता है। अब उतना ज़्यादा कुछ है नहीं कि जिससे कि हम कैंसिल करा के टिकट दूसरा ले के हम पहुँच जाए। हम बात किए हैं, सब लोग से बात हुआ है, अच्छी है, और थोड़ा सा बच्चा के जैसे जिद कर रही है, बाकी कुछ नहीं। उसके फैमिली का लोग सब लोग अच्छे हैं, ठीक है। अभी ससुराल में है, वो चल गई है कल का, तो इसलिए बार बार यहाँ वहाँ नहीं करना चाहिए। कुछ दिन से शादी होता है ना, तो 6 महीने साल भर लगता है टाइम लड़की को अपने ससुराल में सेट होना। और वही नहीं, हम पूजा भी अगर इस जगह पर रहती तो हम दौड़ के नहीं आते जाते, चूँकि क्या है कि मायके मैं बेटी तो लाड़ प्यार से रहती ही है, ससुराल में जाने पर थोड़ा सा घर का काम और फैमिली को देखना, बैकग्राउंड सब कुछ देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। तो अपना कुछ अच्छा काम करने से ही फैमिली के जगह, दिल में जगह बनेगा। तो उसमें हम नहीं जानते हैं कि माँ बाप को ज़्यादा बीच में पढ़ना चाहिए, अगर ऐसे पढ़ने से घर चलता नहीं है, टूट जाता है वो रिश्ता। हर बात में माँ बाप अगर जाएगा आएगा पहुँचेगा तो वो रिश्ता टूट जाता है। तो मिलाने का काम करना चाहिए, तोड़ना नहीं है हमको। और अंशु को ठीक है, हम माँ बने हैं और पापा हैं, हमारे बेटी के समान है, बेटी है, लेकिन हम यही सोचेंगे कि ससुराल गई है तो अपनी सास को अपनी माँ के जैसे ही समझे, और सास को सास है तो है ही, लेकिन माँ उनको समझे, दोनों का प्यार उनसे मिलेगा। उनकी सास बहुत अच्छी हैं, हम बात किए हैं। तो चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आगे, और कुछ बात जो होगी आप लोगों को बताएंगे बाद में। तो और उससे पहले एक और बात मैं पूछना चाहती हूँ मम्मी, कि जब हम आ गए थे वहाँ से यहाँ शादी के बाद, तो हम कितने दिन बाद आपके पास गए फिर? 6 महीना। 6 महीना तक हम नहीं गए थे, ये बेंगलोर में थी। और क्यों गए थे फिर? बाबू लड्डू पेट में इनका आ गया था, उस समय हम इनको लेके आए थे आँख बनवाने, तो इनके घर वाले लोग से बात करके हम इनको लेके गए। और बेटी को तो ज़रूरी है कि 6 महीना पर ही आना चाहिए, 6 महीना, 4 महीना, 3 महीना। अब हरदम आना जाना अच्छा नहीं रहता है,
नहीं, ससुराल वाले लोग भी बोलेंगे कि आपकी बेटी होती तो आप ऐसे नहीं होती। नहीं, हम अपनी वो 6 महीने बाद भी हम तब गए थे क्योंकि तब मेरे मेरा जो लड्डू था वो कंसीव हो गया था और मेरे पास कोई आ नहीं सकता था, मेरी सास नहीं थी तो हमको जाना ही पड़ा तो और घर वाले सब बोले कि आप लेते आइए। इसके ससुर खुद बोले कि नहीं आप लेके आइए उसको, गई है तो चूंकि अकेले ही रहती थी और ये जॉब करते थे, यही टाइम था रक्षाबंधन का टाइम। तो सचिन आया था हमको लेके, छोड़ कर सचिन चल गए थे तो हम इसके साथ लेके गए यहाँ से। और क्या है कि जब ऐसा समय आएगा ना तो अंशु के लिए भी हम खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे। उसका भी कल के डेट में अगर बच्चा हो चाहे कुछ भी होगा, अगर मेरा ज़रूरत लगेगा तो हम खड़ा रहेंगे। ये कोई देखावा नहीं है, कोई बनावटी नहीं है। हम कोई भी रिश्ता निकालते हैं ना, अगर निभाना चाहेंगे तो दिल से निभाएंगे। और कोई दो चार जन कमेंट करने से हम दौड़ के नहीं चल जाएंगे, उनको दौड़ के नहीं बुला लेंगे। कुछ नहीं हुआ है उसके घर में, बस यही थोड़ा सा फ्रीडम खोज रही है अंशु कि जैसे पहले रहती थी ना, माँ बाप कोई नहीं था इसको डांटने बोलने वाला, या कोई कुछ इसको नहीं कहता सुनता था। अब ससुराल गई है तो थोड़ा सा सास का भी टोकेंगे कि उठ के समय से खाना बनाओ, चाहे ये मत बोलो थोड़ा सा। लेकिन ये भी बात आप अंशु से बात कीजिएगा तब तो आपको कंफर्म पता चलेगा, अभी जाके बातचीत होगा तब पता। हम जाएंगे घर पे तो जाके बुलाएंगे, घर से अंशु को बुलाएंगे, कहीं बुला के बात करेंगे, मिलेंगे उससे और उसके सास को भी बुलाएंगे, दोनों जन को बुला के बात करेंगे। और आप लोग निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होगा अंशु को, अंशु ठीक है। आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को चिंता बना हुआ है, ये वीडियो डाल रही हैं, तो हम बस यही आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग सब चीज़ में मत इन्वॉल्व होइए और आप लोग शांत रहिए, कुछ नहीं हुआ है। आज भी शिवम शुभम बाबू आए थे, शिवान मिल के गए हैं, सब ठीक है। लोग थोड़ा सा बचपना है उसके अंदर, वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और 6 महीना साल भर लगता है ये सब सुधरने में और ठीक होने में। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि वहाँ से कुछ प्रसाद लाए हैं खरीद के, और वो चीज़ यहाँ पे है। क्योंकि घर पे जाना है तो कुछ कुछ ले जाना है अपने देवरानी लोग के लिए और ननद लोग के लिए, तो एक कट्ठे ले लिया है। और यहाँ हमको बहुत खूबसूरत ये लगा, बालाजी है ना, ये देखिए बालाजी हैं, यहाँ दिखाओ मुझे बालाजी हैं, तो इतना प्यारा लगे ना, ये खूबसूरत लग रहे थे हमको देख के। ये कार वगैरह में भी लगा, हाँ कार पे भी रखा जा सकता है, तो ये हमको बहुत प्यारा लगा खूबसूरत, तो हम ले लिए। लेकिन जानती हैं गाइस, इसका ना दाम मांगा था लोग 500 रुपया, लेकिन करते करते 300 में लिए। आप लोग भी बालाजी के दर्शन कर लीजिए। हाँ तो एक ये लिए, और कहीं ऐसी जगह पे जाना चाहिए तो ये सब यूनिक चीज़ है, लेना चाहिए। तो ये 300 में हम लिए हैं। और यहाँ पे लिए हैं एक ये रोड़ी और चावल रखने के लिए, हम देखे रक्षाबंधन के दिन पूजा ली थी, रखी हुई थी तो हमको भी अच्छा लगा तो ले लिए कि पूजा पाठ में रखने के लिए, चाहे ऐसे मतलब अच्छा लगता है। एक ये भी लिया ऐसे डिब्बा गंदा भी हो जाता है, तो इससे अच्छा कि टीका वाला इसमें रहेगा। पीला लाल सिंदूर रख तो रख, हल्दी भी रखते हैं ना, हल्दी कुमकुम रखते हैं, हल्दी कुमकुम रखते हैं। तो ये कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और एक सामान लाए हैं जो उस दिन माला दिखाए, पूजा बोली कि हमको पसंद नहीं है, हम उसमें का नहीं पहनते, मम्मी का लिए ली हैं, तो हम यहाँ पर भी लिए हैं कुछ माला ऐसे करके हैं, तो इसमें से बोले हैं पूजा को, वो भी इतने का ही था। हाँ पूजा को बोले हैं कि तुमको जो अच्छा लगे ले ले, हम बोले कि हम इसमें का ले लेंगे क्योंकि ये थोड़ा रानी वाला हार लगता है ना, ऐसे लुक अच्छा आता है। लक्ष्मी जी का है इस पर फोटो, ये वीडियोस वगैरह में भी यूज होगा और नॉर्मली साड़ी पे पहनने पे ना अच्छा ऐसा लिया है। इसमें का लिए हैं 5 शुक्राना देते हैं। तक वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी जो पार्ट है इसका जो और सामान लाए हैं वो दूसरा ब्लॉग में मिलेगा देखने के लिए, तब तक आप लोग बने रहिए, बाय।